नमस्कार दोस्तों, मैं शावी आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप रिकर्सन रिमिक्स को अपने ला इको ला वन एस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ जी, नई रोम आई है, इसमें फिंगरप्रिंट भी सपोर्टेड है थैंक्स टू 19Visnia89। इनका मुझे रियल नेम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये रोम बनाई है। इसमें फिंगरप्रिंट भी सपोर्टेड है, मैं भी आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इस रोम में फिंगरप्रिंट भी सपोर्टेड है। लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़े से प्रोसेस करने होंगे। सबसे पहले तो आपके फ़ोन में EUI 5.8 होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसमें सभी के पांच फिंगरप्रिंट लगा देने हैं। आप जितने चाहे उतने फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, क्योंकि वो वाले फिंगरप्रिंट इस रोम में सेव होंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फिंगरप्रिंट ऐड नहीं होते। आपको अपने EUI में रहना है। फिंगरप्रिंट ऐड करने के बाद आपको एक काम करना होगा, आपके फ़ोन में TWRP फ्लैश होनी चाहिए। उससे ही आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने रोम को फ्लैश कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि इसमें जो रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इस वक्त EUI के 5.8 वर्जन में मार्शमेलो में। आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेटिंग्स हैं, ये देखिए, मेरे यहाँ पे पाँचों के पाँचों फिंगरप्रिंट ऐड हुए हैं, क्योंकि इनकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो यहाँ स्क्रीन लॉक है वो पैटर्न में होना चाहिए, पिन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिन में एक बग आ जाता है। इसलिए सबसे पहले ये पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न होना चाहिए, पासवर्ड यहाँ पे पिन लगाओगे तो बाद में रोम वो वाली नहीं चल पाएगी, यहाँ पे पैटर्न ही होना चाहिए। उसके बाद मैं सभी के सभी फिंगरप्रिंट ऐड कर लीजिएगा और रिकवरी में जाइए। अगर आपने अपने फ़ोन में रिकवरी नहीं इंस्टॉल की हुई तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा कार्ड में, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन अभी रिकवरी में बूट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये प्रोसेस करने से पहले आप सबसे पहले एक फुल बैकअप बना लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप फिर से अपना रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना बैकअप बना लिया हुआ है फुल। उसके बाद आपको जाना होगा एडवांस में, जाने के बाद यहाँ फाइल मैनेजर में जाइए। उसके बाद यहाँ पे डाटा में जाइए। डाटा में जाने के बाद आप सभी के सभी फोल्डर यहाँ से डिलीट कर दीजिए, सिर्फ कुछ फोल्डर को छोड़ के। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा फोल्डर नहीं डिलीट करना। मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ।
बस। इसके बाद ये जो नीचे फाइल्स बची हैं इसे ऐसे ही रहने दीजिए, और ये सब कुछ इनको नहीं डिलीट करना, बाकी सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको बैकअप में जाना है। बैकअप में जाने के बाद यहाँ रिफ्रेश साइज करना है, रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए। सॉरी, रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डाटा का साइज़ कितना छोटा हो गया। यहाँ पे स्किप MD5 जनरेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ स्किप MD5 क्लिक करना है, और यहाँ पे जाकर डाटा को यहाँ से बैकअप कर लेना। ये देखिए कितना छोटा साइज हो गया इसका। तो यहाँ से बैकअप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको ये वाली फाइल को अपने कंप्यूटर में सेंड करना है। मैं अभी वो आपको प्रोसेस बता देता हूँ कंप्यूटर वाला। एक सॉफ्टवेयर का नाम है 7-Zip, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने PC में इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी है आपके पास PC, लैपटॉप या कुछ भी। उसके बाद आप अपने TWRP में जो बैकअप बना लिया हुआ है उसके बाद अपने फ़ोन को कंप्यूटर से अटैच कीजिए। रिकवरी में ही रहिएगा, रिस्टार्ट वगैरह मत कीजिएगा। भैया देखिए यहाँ पे TWRP में जाइए, बैकअप में जाइए, ये वाला बैकअप हमने अभी अभी बनाया, इसको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लीजिए। सारे के सारे फोल्डर को किसी ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। किसी भी ड्राइव में कॉपी कर लीजिए अपने इस फोल्डर को। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या एडिट करना है इनमें। आप इसे 7-Zip के साथ ओपन कीजिए, ये देखिए। उसके बाद आपको यहाँ से क्या क्या डिलीट करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ बग रिपोर्ट्स इसको डिलीट कीजिए, दोनों को डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको और कुछ नहीं यहाँ से डिलीट करना। उसके बाद आप ऐप में जाइए, ऐप में जाने के बाद लास्ट चार फाइल्स हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये मैंने टेलीग्राम इंस्टॉल किया हुआ था, इसका भी डिलीट कर दीजिए। सिर्फ दो फोल्डर यहाँ पे रहने चाहिए। यही दो फाइल्स यहाँ पे रहनी चाहिए और कोई फाइल यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम के फोल्डर में जाइए, सिस्टम के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे यूज़र वाला फोल्डर छोड़ के बाकी सारे के सारे फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर लीजिए। यूज़र वाले को छोड़ के बाकी सारे डिलीट कर दिए, सॉरी। उसके बाद दूसरी फाइल यूजर की आप इसको भी ऐसे रहने दीजिए, और तो जो फाइल मैं नहीं डिलीट करूंगा उसे छोड़ के बाकी सारी डिलीट कर देंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, सॉरी फॉर डैट। ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फोल्डर जो आपने एडिट किया इसको पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर दीजिए, उसको पुराने वाले के साथ कॉपी कर दीजिए, ऐसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद
उसको यहाँ पे पुराने वाले के साथ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई है। मैंने इसको पुराने वाले के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये सारा का सारा आपके फ़ोन में कॉपी हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, जो कॉपी किया है उसे रखिएगा, और जो पुराना वाला आप उसे डिलीट कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बनाया है। मैंने वो जो फोल्डर मैंने अभी भी कंप्यूटर से एडिट किया, मैंने उसे अपने फ़ोन में कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिकॉर्डर रिमिक्स है इसको यहाँ से फ्लैश कर लेना। ये देखिए, मुझे अभी भी एक एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को अभी वो नहीं किया, पाइपिंग किया। ध्यान में रखिएगा, पुराना बैकअप होना चाहिए। इसके साथ आप इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के बाकी सारे के सारे का पाइप कर लीजिए। उसके बाद रोम को फ्लैश कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये रोम है वो फ्लैश हो चुकी है। उसके बाद जो भी अभी आपने बैकअप बनाया, ये वाला ये जो डाटा का अभी अभी आपने एडिट किया, इसको यहाँ से रिस्टोर कर लीजिए। यहाँ पे जो डाटा है वो आपने जो एडिट किया वो उसका साइज कम से कम 10 या 15 MB होगा इस फाइल का। इसको फ्लैश कर लीजिएगा, 5-10 MB का है सारा बैकअप। उसके बाद जो आपकी जो रोम है वो उसके उसको आप बूट कीजिएगा। मैं अभी आपको बूट करके बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो रोम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी इंस्टॉल कर लिया। आप सेटिंग में जाकर, सिक्योरिटी में जाकर अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, पैटर्न सेट कर लीजिए, और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी चल पड़ेगा जो आपने पहले। उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा कि और फिंगर जो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, और फिंगर्स मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी ये अभी के लिए यहाँ पे और फिंगर्स ऐड नहीं हो पाती, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी इसमें बग है और इसमें जो वोल्ट अभी एक्टिवेट नहीं है। होप जल्दी हम इसमें वोल्ट भी एक्टिवेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रोम लगी मुझे आज तक, क्योंकि इसमें सब कुछ है, बहुत फास्ट रोम है। मैं अभी आपको इसका जल्दी इसका एक रिव्यू भी दूंगा इसमें, इस रोम का बहुत फास्ट रोम है ये, मैंने पहले भी चलाई, अब तो फिंगरप्रिंट भी चलता है इसमें। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे। आई होप आप सब लोग ये सारे स्टेप्स आसानी से कर लेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये रोम कैसे फ्लैश करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ज़रूर लाता रहता हूँ, और ऐसे ट्यूटोरियल ज़रूर लाऊंगा, और हम जैसी ही कोई रोम आएगी आपके लिए ज़रूर लाऊंगा ट्यूटोरियल उसका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।